तो गाइस यार आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आपने एक नया टैटू बनवाया है तो आप ये भी सोचते हो कि मैं अपने टैटू को वॉश करूं या नहीं करूं, या अगर अपने टैटू को वॉश कर चुके हो तो किस तरह के आपको रिजल्ट मिल चुके हैं ये आपको अच्छी तरह से पता ही होगा। तो गाइस यार आज की वीडियो में हम आपको एंड तक पूरा डाउट क्लियर करने वाले हैं कि आपको टैटू वॉश क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप टैटू वॉश कर भी लेते हो तो आपको किस तरह के रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपके न्यू टैटू के ऊपर, और टैटू वॉश करने का एक सही टाइम और एक सही दिन कब होता है। तो इस तरह के डाउट आपको पूरे क्लियर होने वाले वीडियो के एंड तक, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में से छोड़ के मत जाना अगर आप अपने टैटू को एक अच्छा टैटू बनाना चाहते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा के जैसे आपके भाई की एक ही रिक्वेस्ट रहती है, पहली बार अपने इस भाई के चैनल पे आए हो, पहली बार इस भाई को देख रहे हो तो चैनल के नीचे जो आपको रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब करके अपने इस भाई की फैमिली का हिस्सा बन जाइए टैटू रिलेटेड और भी अलग अलग तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने एक नया टैटू बनवाया जिसे बनवाए हुए दो से या तीसरा दिन ही हुआ है, तो अगर आप अपने टैटू को वॉश करते हो तो सबसे पहले आपको किस तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप अपने टैटू को दूसरे या तीसरे दिन ही वॉश कर लेते हो, चाहे वो वार्म वाटर हो, गर्म पानी हो, हल्का गुनगुना ही पानी क्यों ना, चाहे वो ठंडा पानी ही क्यों ना हो, अगर आप अपने टैटू को वॉश कर लेते हो तो आपके टैटू के जो पोर्स ओपन हो जाते हैं, जब आप टैटू बनवाते हो तो आपके टैटू के पोर्स ओपन रहने की वजह से आपके टैटू पे ही इचिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके रिजल्ट में आपके टैटू पे दाने पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप अपने टैटू को वॉश कर चुके हो तो ये भाई मैं दावा देता हूँ आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी अभी और दिस टाइम के ऊपर। इसलिए दूसरे या तीसरे दिन कभी भी या किसी भी सिचुएशन में अपने टैटू को पानी से या किसी भी तरह के पानी से, हल्के पानी से, गुनगुना पानी से बचा के ही रखना चाहिए, ना कि वॉश करना चाहिए। इसलिए ये तो रिजल्ट मिल जाते हैं अगर अपने टैटू को वॉश करते हो तो इचिंग की प्रॉब्लम, पिंपल की प्रॉब्लम अपने आपके टैटू पे आना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए खास करके अपने टैटू को वॉश ना कीजिए दूसरे से या तीसरे दिन। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको टैटू वॉश कब करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए जो आपके टैटू को एक प्रॉपर टैटू बनाने में आपकी मदद कर सके। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका टैटू दूसरा तीसरा दिन हो चुका है तो आप बिल्कुल भी या 7 से 8 दिन तो बिल्कुल उसे पानी से बचा के ही रखिए, वॉश करने की तो बात ही नहीं आती है। जब आपके टैटू को 8 से 9 दिन हो जाए तो आपको पता लगेगा कि मेरे टैटू की लेयर निकल रही है, हल्की हल्की आपके टैटू की लेयर निकल रही है, तब आप अपने टैटू को वॉश कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि आप किसी भी तरह के साबुन का या पानी से या गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिएगा, नहीं, फिर भी आपको टैटू पे इन्फेक्शन होगा। भाई टैटू है भाई, इसलिए आपकी ये प्रिकॉशन करना आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे टैटू पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। इसलिए इससे कुछ खास तरीके से वॉश किया जाता है टैटू को। देखिए आप अपने टैटू को वॉश करने से पहले किस किस तरह के आपको प्रिकॉशन करना चाहिए, मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा। उस वीडियो में आपको मैं पहले शॉर्ट तरीके से आप बता देता हूं, आपको अपने टैटू को एक फॉर्म शॉप आता है, टैटू का एक फॉर्म शॉप या किसी भी ब्रांड का एक फॉर्म शॉप ले लीजिए। फॉर्म शॉप का यूज़ करने से ही आपके टैटू पे किसी भी तरह का नेगेटिव असर देखने को नहीं मिलता। आप अपने टैटू को 2 से 3 बार भी वॉश करोगे ना तो भी दोस्तों आपके टैटू पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं पड़ता। लेकिन जब आपके टैटू के लेयर निकलना स्टार्ट हो जाए तभी आप अपने टैटू को वॉश करना स्टार्ट कीजिए, नहीं कि लेकिन अगर लेयर निकलने से पहले ही स्टार्ट कर देते हो तो आपके टैटू की लेयर निकलेगी नहीं और आपके जो पोर्स ओपन होने की वजह से आपके टैटू पे अलग अलग तरह के इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं आपको पहले से ही दोस्तों बता देता हूं, आप अपने टैटू को 8 से या 9 दिन ही वॉश करना स्टार्ट कीजिए अगर आपके टैटू की लेयर निकलना स्टार्ट हो रही है, और किस तरह से प्रॉपर गाइडलाइंस मैंने आपको वीडियो के अंदर दी है, जाके आप वीडियो को देखिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा अपने न्यू टैटू के लिए। तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी, वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे और अपनी इस भाई की फैमिली का हिस्सा बनने के लिए टैटू रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हर एक दिन टैटू रिलेटेड वीडियो आता है इस भाई के चैनल के ऊपर, तो चैनल के नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है सब प्रेस करके सब्सक्राइब करके अपने इस भाई की फैमिली का सब बन जाइए। और हाँ, आपके टैटू पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो भाई आपका बस एक कमेंट कर दीजिए, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई आपका ये भाई जरूर करेगा, और नहीं भी अगर मैं रिप्लाई कर पाता हूं तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए, आपके वहां डायरेक्ट आपसे बातचीत करेंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों।